हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों, इससे आपको एक से दो नंबर जरूर छपने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। दोस्तों, SSC GD हुआ, CEL हुआ, कोई भी एग्जाम, कॉलेज एग्जाम में आपके लिए बनने वाले इससे क्वेश्चन। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अपना टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग दोस्तों, इसको आप दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक पढ़े रहिए। दोस्तों, आपको समझ में जरूर आएगी। दोस्तों, आप एक बार नहीं तो दोबारा भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगी, आप दोबारा भी देखकर देख लीजिए। दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद दोस्तों 324 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 324 में है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी दोस्तों 1950 में। दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। दोस्तों कहां पर है? दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों नई दिल्ली में। कहां पर? दोस्तों नई दिल्ली में। दोस्तों इसमें सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों सदस्य कुल दोस्तों 3 होते हैं। कितने दोस्तों? सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? 3 है। दोस्तों एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। दोस्तों एक क्या होता है? एक मुख्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों दो अन्य होते हैं। दोस्तों दो अन्य निर्वाचन आयोग होते हैं। दोस्तों इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? दोस्तों सुकुमार सेन। दोस्तों कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? दोस्तों सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों बात करी जाए तो महिलाओं में दोस्तों ये कौन थे? पुरुष थे। दोस्तों महिलाओं में दोस्तों प्रथम कौन थे? महिलाओं में दोस्तों प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन? दोस्तों रमा देवी। दोस्तों कौन? रमा देवी। कौन दोस्तों? रमा देवी। दोस्तों कौन? रमा देवी। दोस्तों इधर वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयोग? दोस्तों कौन है? दोस्तों वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? दोस्तों राजीव कुमार। 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 दोस्तों मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? दोस्तों 25 जनवरी को। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयोग की को नियुक्त कौन करता है? दोस्तों कौन करता है नियुक्ति? कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों नियुक्ति? कौन करता है दोस्तों नियुक्ति? करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति कौन कर क्या करता है? दोस्तों नियुक्ति करता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? दोस्तों
जो वोट डालते हैं जो उनको उनकी देख रेख करना दोस्तों, किस किस का निर्वाचन करवाना है दोस्तों, निर्वाचन आयोग दोस्तों, दोस्तों निर्वाचन किस किस की करवाना है दोस्तों, देख रेख करना है निर्वाचन, देख रेख निर्वाचन निर्वाचन करवाना है दोस्तों। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा, क्या दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, क्या दोस्तों राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद दोस्तों, इनका निर्वाचन करवाता है, देख रेख करता है, कौन करता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग करता है, कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। इसी के निर्वाचन मतदाता की आयु दोस्तों 61वां संविधान संशोधन में क्या दोस्तों 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब कर दी गई थी दोस्तों, 1989 में दोस्तों, और 21 वर्ष कब बढ़ाई गई थी दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन में बढ़ाई गई थी, क्या 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। कब 61वां संविधान संशोधन में दोस्तों 1889 में लागू किया गया था 18 वर्ष दोस्तों मतदाता की आयु वोट डालने का अधिकार दोस्तों। दोस्तों एक बार दोहरा देता हूँ दोस्तों, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग दोस्तों किसमें है उल्लेख दोस्तों, अनुच्छेद 324 में दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 25 जनवरी 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में। इसकी इसके सदस्य दोस्तों का कितने हैं दोस्तों, सदस्य कुल 3। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों और 2 अन्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों, यह कौन अध्यक्ष है दोस्तों। दोस्तों प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है दोस्तों, सुकुमा सेन दोस्तों। महिलाओं में प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है दोस्तों, रमा देवी दोस्तों। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है दोस्तों, राजीव कुमार दोस्तों। और मतदाता दिवस कब मनाया है दोस्तों, 25 जनवरी को दोस्तों। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति दोस्तों। इधर देख रेख निर्वाचन करवाना किसका काम है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का। किन किन का निर्वाचन करवाता है दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद दोस्तों, इनका निर्वाचन करवाता है दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिए दोस्तों और शेयर जरूर करिए दोस्तों। दोस्तों इससे आपको 1 से 2 नंबर आपको जरूर मिलने वाले हैं हर परीक्षाओं में दोस्तों। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप एक बार नहीं तो दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को दोस्तों, लेकिन जरूर दोस्तों करिए और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। जो भी इस वीडियो में नए आए हो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों और शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक करिए दोस्तों। दोस्तों थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।